जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 सहरसा जिला होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गया हूं, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। जो भी कैंडिडेट होमगार्ड में सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को यह खबर जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों किस लिए यह नोटिस जारी किया गया है, इसमें क्या क्या बताया गया है, सब कुछ आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं तो यह वीडियो आपके काम के है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका भी ज्वाइनिंग होगा तो इस प्रकार के फॉर्म और इस प्रकार के सूचना आ सकता है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाने वाला हूं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी अपडेट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण सूचना है जान लेते हैं। देखिए मैं ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ सहरसा जिला का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस जारी किया गया है जो कि होमगार्ड कार्यालय सहरसा द्वारा, और दोस्तों यह डेट आपको 10 तारीख को जारी किया गया था, 10 मई को। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, कोई फेक वीडियो नहीं है। तो चलिए इस नोटिस को मैं डाउनलोड करके देखता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है और किस लिए यह नोटिस जारी किया गया है। देखिए दोस्तों आ गया आवश्यक सूचना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अब वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ और क्या इसमें करना है सब कुछ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है विज्ञापन संख्या 02/2011 के चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि गृह रक्षक के रूप में अनुबंध करते हुए पे आईडी एवं यूएनआईडी अकाउंट खोलने के लिए निम्नांकित तालिका में अंकित के अनुसार संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित तिथि एवं उपस्थित होना है। यानी दोस्तों आपको साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जो आपका डेट दिया गया है प्रखंड वाइज उस डेट में आपको जाना है, और चेक लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ, यानी लिस्ट में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या भरना है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर में शौर बाजार जो कि यहाँ पर दिया गया है इनका नाम है, जो वहाँ पर सब कुछ आपको प्रक्रिया करेंगे, मुकेश रंजन उनका नाम है, और 12 आपको आज होने वाला है। वही दोस्तों महर्षि प्रखंड जो है यहाँ पर देख सकते हैं मिथिलेश सिंह जी हैं वहाँ पर जो प्रतिनियुक्ति कर्मी, उनका नाम है मिथिलेश सिंह जी, और आज ही का डेट में है। दोस्तों आज का डेट में नौहट्टा भी प्रखंड का है, और आज के सतरकटिया प्रखंड के है, कारा प्रखंड का भी आज ही है, और सिमरी बख्तियारपुर का 13 के कल है, और दोस्तों उसके बाद पत्थरघट जो भी आपका प्रखंड है उसका 13 का है, सोनबरसा का 13 का है, शहरी का 13 का है, बनमा इटहरी का आपको 13 का है, सलाखुआ आपको 13 का है। तो आप सभी को यह जाकर ओपन कराना है। दोस्तों यह खबर मेरे पास कल आया था लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं नहीं बता पाया। तो आप सब सभी डॉक्यूमेंट लेकर जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे जो कि आपको जिला समादेष्टा कार्यालय में यहां पर, और दोस्तों चेक लिस्ट यहां पर है, देखिए यहां पर चेक लिस्ट लिखा गया है। तो चेक लिस्ट में आपको नाम, प्रखंड के नाम, आपका जो पावती संख्या भर लेना है, यहां पर जो योग्यता प्रमाण पत्र है आपको यहां पर लिख लेना है कौन सा ये आपका योग्यता प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आपका एज आयु, यहाँ पर मेडिकल के नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कार्यालय में उपलब्ध है, जो भी आपका मेडिकल हुआ है कार्यालय द्वारा किया जाएगा यहाँ पर, जो कि चरित्र प्रमाण पत्र यानी करेक्टर भी कार्यालय द्वारा, आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ देना है, जाति प्रमाण पत्र देना है, स्वयं घोषणा केवल एक ही आवेदन के लिए, या आपको घोषणा किया है कि केवल हम एक ही आवेदन किया है। उसके बाद 8 नंबर में आपको दिया गया है खाता की छाया प्रति, आईएफएससी कोड सहित बैंक का नाम पता सब कुछ आपको होना चाहिए, आप अकाउंट ले जाइएगा उसमें सब कुछ है। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर में लिखा है आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, 10 नंबर में लिखा है, और 11 नंबर में लिखा है अस्थाई मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर वही देना है, यहाँ पर देखिए लिखा है यह नंबर आपका पे आईडी और यूएनआईडी अकाउंट से लिंक रहेगा, यानी दोस्तों जो नंबर देंगे आपको अकाउंट से लिंक होगा, तो आप भविष्य में इसे बंद करने का आपको कठिनाई हो सकता है, अगर बंद होगा तो आप अच्छा नंबर दीजिएगा। तो
यही है, यहाँ पर आपको घोषणा है या भर देना है, यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, जो भी है, पता, ग्राम या उम्र या घोषणा आपको यहाँ पर भरवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सहरसा जिला से आते हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपने होमगार्ड कार्यालय जो कि गृह रक्षक वाहिनी सहरसा में आप जाकर जल्द से जल्द मिले, क्योंकि आज से स्टार्ट है। सौर बाजार, मरसी, नौहट्टा, सदरकटिया, कहरा, यह सब प्रखंड के आज होने वाला है। तो दोस्तों जल्द से जल्द जाइए, इसलिए मैं सुबह सुबह फर्स्ट वीडियो यही अपलोड किया कि सभी के पास जानकारी चल जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।